आई होप आप सभी का दिन अच्छा जा रहा होगा। एंड अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं खड़ा हूँ हावड़ा के बीच में। सो आप इस ब्लॉग नहीं देखे तो पहले वो देखना, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। एंड अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, एकदम फ्रेश हूँ ऊपर से नीचे। सो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ एंड अभी हम लोग को वहाँ से बस लेना है। बस नहीं तो कुछ भी मिलेगा तो उसको हम लोग लेके हम लोग चलेंगे अभी विक्टोरिया मेमोरियल। और सुबह से हम लोग सिर्फ चाय इंटेक किए हैं, प्रोटीन इंटेक नहीं किया है, तो बॉडी का पंप भी ख़त्म हो रहा है, तो कुछ खाना पीना भी खाया जाएगा एंड जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल के पास हैं एंड विक्टोरिया मेमोरियल वो रहा, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मे भी नहीं दिख रहा तो अंदर चलते हैं एंड दिखाते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुका है तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रीट पे जो ब्रेड मिलता है वो अभी हम लोग इनटेक करेंगे, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। और हम लोग ने टैक्सी नहीं बुक करा क्योंकि टैक्सी में ज़्यादा फेयर होता है, तो बस को हायर किया क्योंकि उसे 15 रुपये में आप विक्टोरिया मेमोरियल पहुँच सकते हो। तो अभी विशाल यहाँ पर खाने के लिए स्टार्ट कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसको भूख लगता है। एंड अभी मैं भी इनटेक करता हूँ एंड अंदर चलता हूँ, अंदर के सीनेरियो देखता हूँ। फाइनली हम लोग एंट्री हो चुकी है एंड हम लोग म्यूजियम के अंदर है और ये वाला पार्ट गार्डनिंग एरिया है और वो विक्टोरिया मेमोरियल है। एंड गार्डन का जो रेट होता है वो 20 रुपीज़ होता है एंड विक्टोरिया मेमोरियल का होता है वो 30 रुपीज़ होता है। सो आप लोग कैसे आ सकते हो, आप लोग बस से आ सकते हो, उबर कर सकते हो, टैक्सी हायर कर सकते हो, ये सारी तरीका है यहाँ पर आने का विक्टोरिया मेमोरियल। एंड अंदर अभी हम लोग चलते हैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को सिनेमेटिक व्यू दिखाऊंगा जो कि मैं दिखाता हूँ अपने तरीके से एंड बने रहो ब्लॉग में। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas. I hear them all those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never. So guys, सामने मेरा विक्टोरिया मेमोरियल आपको दिख रहा होगा एंड अभी इसके अंदर चलते हैं, अंदर में क्या क्या चीजें हैं वो आपको भी मैं एक्सप्लोर करके बताता हूँ। एंड एक मोटिवेशन वाला बात बताना था आप लोगों को, क्योंकि जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मॉडलिंग की, यहीं से स्टार्ट हुई थी और यही कोलकाता से स्टार्ट हुई थी। फिर से मैं उस जर्नी में शामिल हो चुका हूं एंड सक्सेस की ओर बढ़ चुका हूं और काफ़ी ह्यूज है यार विक्टोरिया मेमोरियल, काफ़ी रोमांचक से भरपूर। एंड चलो जल्दी से अंदर चलो।
गाइस, हमने काफ़ी यहाँ पे एक्सप्लोर करा एंड अपने एरिया में बैठे हुए, और यहाँ से अलग ही वाइब्स आ रहा है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, फील जो हो रहा है एकदम अलग ही वाइब्स है। एंड अपने शहर से निकल के दूसरे के शहर में आना और ये सारी चीज़ों को देख एक्सप्लोर करना, अलग ही वाइब्स आता है। एंड पूरा गार्डनिंग एरिया किया गया है, इधर है पूरा ऑल टोटल जितना भी है, कम से कम तो ज़्यादा ही एकड़ में बना होगा, तो मेरे को उतना देखना पड़ेगा। एंड इधर ये पॉन्ड है, वो पॉन्ड है, और चारों तरफ ही पॉन्ड है। सो रिलैक्सेशन की एक मेडिटेशन के अलग ही वाइब्स आएगा, अगर कोई मेडिटेशन रिलैक्स करता है तो अलग फील ही होता है। एंड मेरे को काफ़ी गर्मी लग रहा है, मैं सन के डायरेक्ट में बैठा हूँ। विशाल, तुझे भी लग रहा है क्या? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा इसको भी लग रहा है। एंड ये हुडी पहन चुका है मैं, स्वीट टी शर्ट, सोच रहा हूँ इसको निकाल लूँ। ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, टी शर्ट भी पहना हुआ है, इसलिए ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो सोच रहा इसको एक अगर निकाल लूँगा, क्योंकि अभी फ़ोटोशूट एंड रील भी बनाने हैं थोड़े बहुत, एंड बी रोल भी शूट करना है, तो इसलिए मैं पहना हुआ हूँ। एंड यहाँ से हम लोग चलेंगे इको पार्क। वन डे में जितना कवर हो पाएगा कोलकाता का ब्लॉग, वो आप लोगों को देखने में। एंड फिर कभी आऊँगा मैं तो पार्ट बाय पार्ट में आप लोगों को सीरीज बना के दिखाऊँगा। सो अभी यहाँ पर रिलैक्स करते हैं और थोड़ा भूख लगा हुआ जो घर से हम लोग लाए वो खाते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं इको पार्क के लिए, एंड आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा देख के सारा सीनेरियो। एंड चैनल पे न्यू हो तो लाल कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में नोटिफिकेशन वाला बटन भी प्रेस कर देना, एंड इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली अपडेट देता हूँ कहाँ जा रहा हूँ कैसे कहाँ। एंड इंस्टाग्राम में स्टोरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, मेरी अपडेट वहाँ पर ज़्यादा रहती है। एंड ये पत्थर में चल चल के थोड़ा मैं हाफ चुका हूँ, लग रहा कार्डियो सेशन मेरा यहीं हो गया। एंड अभी चलते हैं इको पार्क, क्योंकि हमारे पास अब 2 घंटा है और हमारी ट्रेन 5:00 में है, तो हम लोग स्टेशन भी जाना है। जितना एक्सप्लोर हो सकेगा वन डे में, मैं आप लोगों को पहले ही बताया, जितना एक्सप्लोर हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड यहाँ से भी मैं निकलता हूँ एंड जल्दी जल्दी इको पार्क चलते हैं एंड वहाँ का। गाइस, अभी हम लोग फाइनली स्टेशन पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा ट्रेन था 5:20 और इसको मिस नहीं कर सकते। एंड हम लोग ने इको पार्क के लिए सोचा था एंड बस भी हम लोग ने ले रखा था, लेकिन हुआ ये कि इको पार्क धर्म थे, हम लोगों को बस पकड़ना था धर्मतला से हम लोग को जाना था फिर इको पार्क, तो करीब करीब 1 घंटा हम लोग को टाइम लगता और हमारे पास समय की कमी हो गई। यानी समय की कमी के बावजूद हम लोग ने इतना ही एक्सप्लोर करा। नेक्स्ट टाइम मैं अगर फिर आता हूँ कोलकाता तो पार्ट बाय पार्ट सीरीज बना के आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा। एंड इस चैनल पे बहुत सारा ट्रैवल वीडियो आने वाला है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। एंड हम लोग ने काफ़ी एक्सप्लोर करा, जितना भी करा बहुत ही मज़ा आया, मेमोरीज़ क्रिएट होता है, सीखने को मिलता है, काफ़ी चीज़ें अपने माइंड में जो होता है, माइंड आपका जो टायर्ड रहता है वो एनर्जी बूस्टअप करता है। एंड ये सारे चीज़ें आप लोग को भी करनी चाहिए, ट्रैवलिंग करनी चाहिए अगर आप लोग क्रिएटिंग वीडियो नहीं करते हो, क्योंकि मैं इस प्रोफेशनल में हूँ, मैं यहीं से अपना जर्नी स्टार्ट किया था मॉडलिंग का। एंड आगे मेरे को बहुत आगे जाना, मेरा जो ड्रीम है उसको फुलफिल करना है, बहुत सारे ड्रीम है, मैं आपको ये सारी चीज़ें ही बताऊँगा। एंड अभी मैं ट्रेन में चलता हूँ, ट्रेन में बैठ के आकर स्टेशन पहुँचे। एंड नेक्स्ट स्टॉपेज होगा हमारा कुमारडुगी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वो हमारा धनबाद होगा। एंड फाइनली हम लोग फिर से घर पहुँच रहे हैं, और कुछ सीनेरियो मैं स्टेशन पे पहुँचूँगा वो आप लोगों को दिखाऊँगा। एंड चाय का चुस्की होगा तो वो दिखाऊँगा, नहीं हो पाएगा तो डायरेक्ट घर पर चला जाऊँगा।
एंड वहाँ पे चलते हैं एंड जैसे जैसे मंजिल पास आते हैं और भी इंजॉयमेंट मोमेंट मिलता है एंड मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ आपका भाई एकदम लगातार है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड कलर का बटन है उसको हिट करना है एंड कमेंट करना है आपका बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस वीडियो में एंड आगे चलते हैं, आगे की जर्नी बातें करते हैं। सो कहानी जो हमारी स्टार्ट होती है वो कोलकाता की होती है। हमने कोलकाता में सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल ही शूट करा क्योंकि बाकी के पास हमारा समय नहीं था। एक दिन में जितना कवर करा मैं आप लोग को दिखाया एंड हम लोग कल रात को 10:30 बजे घर पहुंच चुके थे और उसके बाद थोड़ा डिनर उनर किए, उसके बाद सो गए एंड अभी सुबह के 9 बजे एंड गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ। ठंड में चाय का अलग ही चुस्की होता, अलग ही स्वाद होता है। सो एडिटिंग करा, वीडियो को एडिटिंग करा, अब उसको पब्लिश करने का टाइम आ गया लेकिन अभी पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो मेरा प्रोडक्शन में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियो बना के रखूँगा, उस टाइम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीक में एक दिन भी वीडियो डालूँ या 2 दिन में डालूँ लेकिन वीडियो आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलेगा। रेगुलर अपडेट के लिए और भी इस कुछ जानने के लिए इंस्टाग्राम है मेरा, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं एंड डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थम्स अप दे देना भाई। कैसा लगा वीडियो का कमेंट, ये सारा पार्ट कैसा लगा वो बताना। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।